ये यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। जो कई घंटों की यात्रा है, कुछ मिनटों में ही एक घंटे में 3600 से भी ज्यादा लोग इस यात्रा। पूरे साल भर करते हैं कि चार धाम यात्रा शुरू हो, बाबा केदार के कपाट खुले, भगवान बद्री विशाल के कपाट खुले, यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुले। यमुनोत्री गंगोत्री सभी चार धाम यात्रा शुरू हो गई है। इस अवसर पर यहाँ पर कपाट खुलने के अवसर पर प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष से भाई हिमांशु चमोली जी और उनकी टीम लगातार उनके पास शुरुआत के दिनों में भंडारे का आयोजन करते हैं। मैं पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि बाबा उन पर कृपा करें और आने वाले जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, पर्यटक हैं, उन सभी को प्रसाद ग्रहण करने का अवसर आप सबके प्रयासों से मिलता है। आपकी यात्रा को मंगलमय बनाएं, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करें हर प्रकार से। इस उद्देश्य के लिए भी बाबा के इस धाम में आप सब पधारे हैं, बाबा आप सब पर कृपा करें। भाइयों बहनों, ये बाबा केदार का ये प्रांगण हम सबको याद होगा, 2013 में यहाँ पर भीषण आपदा आई थी और आज हमारी पहली पूजा हर वर्ष यहाँ पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से होती है। हम सबका प्रयास रहता है, क्योंकि उन्हीं के प्रयासों से, बाबा केदार की कृपा से ये इस पूरे प्रांगण का पुनः निर्माण का और नवनिर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है और पहले चरण का, दूसरे चरण का, तीसरे चरण का काम लगातार जारी है। बहुत सारा यहाँ पर आस्था पथ भी बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे आवास बनाए जा रहे हैं, अनेकों अनेक काम यहाँ पर तेजी से हुए हैं, नवनिर्माण के, पुनर्निर्माण के काम हुए हैं। अभी आने वाले समय में यहाँ की यात्रा, जो अत्यधिक कठिन यात्रा भी मैं इसको कहता हूँ, ये यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। जो कई घंटों की यात्रा है, कुछ मिनटों में ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो यहाँ पर रोपवे का शिलान्यास हो गया है और एक घंटे में 3600 से भी ज़्यादा लोग इस यात्रा को संपन्न कर पाएंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि बाबा केदार की भूमि से बाबा केदार हमारे प्रधानमंत्री जी पर कृपा करें, वो सतायु हों, दीर्घायु हों और देश को लंबे समय तक, दीर्घकाल तक उनका नेतृत्व प्रदान होता रहे और उनके नेतृत्व में हमारा देश विकसित भारत का जो उन्होंने संकल्प लिया है वो विकसित भारत बने, हमारा देश दुनिया का सिरमौर भारत बने, हमारा देश दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत बने। भारत में चारों ओर जो विकास की गंगा तेजी से आगे बढ़ी है, उस विकास की गंगा को आगे बढ़ाने में बाबा केदार अपना आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। भाइयों बहनों, एक बार फिर से, क्योंकि आज पहला दिन है और पहले दिन में मैं ये जानता हूँ कि व्यवहारिक रूप से बहुत सारी परेशानियाँ भी इस यात्रा में होती हैं, आप सब लोगों को कोई परेशानी भी हुई होगी, मैं उसके लिए उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते आप सब से खेद प्रकट करता हूँ, क्षमा प्रार्थी हैं हम सब लोग कि अगर कहीं कोई कमी रह गई हो, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा, हमारी मंदिर समिति का भी, सब लोगों का, कि आपकी आगे की यात्रा ठीक प्रकार से सम्पन्न हो। बहुत सारे काम यहाँ मंदिर समिति ने किए हैं, जिला प्रशासन ने किए हैं, राज्य के प्रशासन ने, शासन ने, सरकार ने, सब ने मिलकर कोशिश करी है कि पिछले वर्षों के अनुभव लेकर हम यात्रा को अच्छे से अच्छा करें, आने वाले किसी भी तीर्थयात्री को, किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की परेशानी न हो, उनकी यात्रा सकुशलता से संपन्न हो, उनको कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। उसके बावजूद भी अगर कहीं परेशानी हो रही है तो उसके लिए निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे आने वाले वर्षों में और अच्छा करें। बहुत सारे लोग इस यात्रा को संपन्न कराते हैं, हमारे प्रशासन के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, मंदिर समिति के लोग हैं, धार्मिक संगठनों के लोग हैं, पूज्य संतगण हैं, तीर्थ पुरोहित हैं और जितने भी लोग इस यात्रा में अपना योगदान देते हैं, मैं उन सब का भी अपने दिल की गहराइयों से उन सब का अभिनंदन करता हूँ, उन सब का धन्यवाद करता हूँ। हमारे पर्यावरण मित्र लगे हुए हैं, इतनी यहाँ पर निर्माण कार्य भी चल रहे हैं
और निर्माण कार्य करना यहाँ पर बहुत कठिन होता है। आप सब जानते हैं कि 6 महीने यहाँ पर बर्फबारी होती है और यही समय होता है कि निर्माण कार्य भी हमको करना है। हमने इस बार ये लक्ष्य लिया है कि 2024 में यहाँ के निर्माण कार्य पूरा हो जाए। उसमें भी आप सबका जिस प्रकार से सहयोग निरंतरता से मिलता रहा है, निकट भविष्य में भी मिलता रहेगा। फिर से एक बार मैं आप सबके मंगल की कामना करते हुए और आप सबका पुनः अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। दर्शन करके तो ये देखिए जी शिल्पा शेट्टी जी सामने आ गई है ओपनिंग में। शुभ शाम बैठ के पास पहुंचने की करते थे, शुभ शाम, हेलो शुभ शाम। शिल्पा जी और उनकी ससुर जी बॉम्बे से आई है, मंदिर के पीछे उनके पास आ जाइए, वेदांत जी आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो भाई